आज हम फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की वायरिंग और इसकी जो कंपोनेंट है उनको टेस्ट करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसका कनेक्शन जो है वो इस तरह से करते हैं हम कि हमारा जो फेज है वो फ्यूज के थ्रू होता हुआ स्विच के द्वारा होता हुआ चौक में आता है और चौक से होता हुआ ट्यूबलाइट के एक फिलामेंट में से होता हुआ फिर स्टार्टर से होता हुआ दूसरे फिलामेंट से होता हुआ न्यूट्रल तक अपना रास्ता पूरा करता है। तो इसके जो कनेक्शन हैं वो ट्यूबलाइट में हम देखेंगे कि सबसे पहले कनेक्टर पर आते हैं और कनेक्टर पर आने के बाद में ये जो हरे रंग का तार है और पीले रंग का तार है ये जो है बिजली बाहर से एक्सटर्नल बिजली आई हमारी और फिर उससे जो है ये जो वायर है सफ़ेद रंग का जो दिखाई दे रहा है स्लेटी रंग का ये हमारी ट्यूबलाइट की चौक के अंदर आ गया। ट्यूबलाइट की चौक से जो दूसरा वायर बाहर निकला वो दूसरा वायर जो है वो यहाँ से होता हुआ इसके ट्यूबलाइट के होल्डर में चला गया और होल्डर से जो तार निकला एक और तार वो तार निकल के आपके इस जगह स्टार्टर में और स्टार्टर से जो तार निकला वो होल्डर के दूसरी तरफ चला गया और होल्डर के दूसरी तरफ से जो वायर निकला वो निकल के रिटर्न पार्ट में न्यूट्रल को चला गया पीले तार से। दोबारा से हम देख लेते हैं कि यहाँ से जो हरे तार से बिजली आई वो चौक में चली गई, चौक से जो तार निकला वो होल्डर में चला गया, होल्डर से जो तार निकला वो स्टार्टर में चला गया, स्टार्टर से निकला वो होल्डर में चला गया और होल्डर से जो तार निकला वो वापस यहाँ आ गया। तो इस तरह से जो है ये वायरिंग हमने यहाँ पर सेटअप की। अब इसके बाद में हम ये ट्यूबलाइट चौक और स्टार्टर को किस तरह से टेस्ट करते हैं इसके लिए हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड ले लेते हैं। लाराम में पकड़ जला के बताओ शॉर्ट करके पहले सीरीज टेस्टिंग। ये हमारा सीरीज टेस्टिंग बल्ब है जिसकी दोनों टर्मिनलों को हम जो है आपस में टच करते हैं तो सीरीज बल्ब जलता है। तो ट्यूब रोड को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्यूब के ये जो अंतिम सिरे हैं इनको हम टेस्ट करते हैं तो इससे जो है हमारी ट्यूबलाइट में कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए, बल्ब जलना चाहिए केवल। लगाओ दूसरा सिरा टेस्ट कराओ इसका। तो ये ट्यूबलाइट जो है वो सही है। अब इसके बाद में चौक को कैसे टेस्ट करते हैं, बल्ब की रोशनी अब शॉर्ट कर ऐसे नहीं लगा चौक बल्ब की रोशनी देखिए अब तेज़ रोशनी हो रही है, शॉर्ट कर दिया मैंने चौक को लगाया डिम जल रही रोशनी ये तेज़ जलती है, ये डिम जलती है ये तेज़ जलती है। तो चौक को जब हम बल्ब से टेस्ट करते हैं तो बल्ब हमारा जो है श्रेणी क्रम में जब हम लगा रहे हैं तो डिम जलना चाहिए। यदि हमारी चौक खराब होगी लगाओ इधर तो आप देखिए अभी बल्ब जो है हमारा पूरा जल रहा है तो ये चौक जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम तीसरी चौक देखते हैं तो ये चौक जो है वो ओपन सर्किट है। तो हमने अभी तीन चौक देखी, एक चौक ओपन सर्किट हो गई, एक चौक शॉर्ट सर्किट है और सही चौक जो है उसमें बल्ब हम लगाते हैं तो डिम जलता है। अब इसी तरह से हम ट्यूबलाइट के स्टार्टर को टेस्ट करते हैं तो ये स्टार्टर जो है कर तू टेस्ट कर, इसमें बल्ब लगातार जल रहा है तो ये स्टार्टर शॉर्ट है, इसमें बल्ब नहीं जल रहा तो ये स्टार्टर ओपन है और इसमें बल्ब बार बार ऑन ऑफ हो रहा है तो ये स्टार्टर सही है। तो सही स्टार्टर के लिए हमारे बल्ब का ऑन ऑफ होना जरूरी है। अब हम एक ट्यूबलाइट है जो ख़राब है उसको टेस्ट करते हैं तो इसमें जो है इस ट्यूबलाइट में से भी रोशनी निकल रही है, बल्ब भी जल रहा है ट्यूबलाइट में से भी रोशनी निकल रही है, इसका मतलब ये ट्यूबलाइट ख़राब है। इसके दूसरे सिरे में ट्यूब नहीं जल रही परंतु बल्ब जल रहा है तो इसकी एक साइड की ट्यूब जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो हम इस ख़राब ट्यूबलाइट को पहले इधर रख लेते हैं और सही ट्यूबलाइट इसमें लगाओ। जो ट्यूबलाइट को हमने कनेक्शन दिए तो ये कनेक्शन जो है
अभी हमने यहाँ से लिए थे, ये दोनों तार जो है यहाँ हमने बीच में एक जॉइंट दे रखा है, ओपन सर्किट कर रखा है, और ये दोनों तार हमने सप्लाई बोर्ड में ले लिए। जब हम इसको स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्यूबलाइट स्टार्ट हो गई। अब जो खराब ट्यूबलाइट जिसको हमने चेक किया था, चेक करके बताओ इसको, एक तरफ से चमक रही है, जल रही है ट्यूबलाइट। अब इस ट्यूबलाइट को लगाओ, स्विच चालू करो, घुमाओ ट्यूबलाइट को, तो ये नहीं जल रही। वापस सही डंडा लगाओ, यहाँ ब्लिंक करती है ट्यूबलाइट, ब्लिंक कर रही है, केवल ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही है इसी वजह से। अब वापस सही डंडा लगाओ इसे, तो ये जो है ट्यूबलाइट सही है। इसको टेस्ट करो और इसमें खराब लगाओ वापस, ये नहीं जली। टेस्ट करो इसको, सही ट्यूबलाइट है, इसमें ट्यूब में से कोई रोशनी नहीं निकलती। तो इस तरह से हम जो है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का हमने अध्ययन किया।